वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। आधी वीडियो स्टार्ट करने तो पहले मैं थोड़ा यह कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो। रजे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो तुम मैं ऑनलाइन क्लासेस लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। काफ़ी बच्चे रजे वीडियो तो देख लेते हैं बट मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते है। रजे गलत गल है क्योंकि बिकॉज मैं इतों इतना मोटिवेशन मिलनी है थोड़े लिए, मैं इदा नवी नवी होर वीडियोज़ लैके आ सकता। चलो आधी वीडियो स्टार्ट कर दे, जिदा कि तुम देख सकते हो अज आप करोगे एक कंपलैक्स स्ट्रक्चर जी आप राइटिंग भी यूज़ कर सकते हैं तो स्पीकिंग भी। फस्ट हैगा नॉट ओनली बट आलसो। रजे फस्ट तो सैकेंड डिफरेंस की है, सिर्फ कॉमा का डिफरेंस है। इन्होंने तुम कोई भी यूज़ कर सकते हो, फस्ट वाला भी तो सैकेंड वाला भी। जिदा कि सैकेंड बट तो पहला कॉमा लगाया गया है। हुण आप इन्हां दी एग्जाम्पल देखते थोड़ू क्लीयर हो जूगा। जिदा कि रजे सही है दोनों है, तुम अपनी मर्जी ने जो मर्जी लिख सकते हो। स्टडिंग द पास्ट हिस्ट्री कैन नॉट ओनली डीपन एंड वाइडर अवर नॉलेज बट आलसो हैल्प अस इन डिवेलपिंग द पावर ऑफ एनालाइज। ये रजे सिंपल एग्जाम्पल हैगी जी मैं फ्रेम की है, इदा ही तुम एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हो। हूँ आप सैकेंड एग्जाम्पल बनी मूव ऑन करते हैं। जिदा कि रजे तुम देख सकते हो मैं सैकेंड एग्जाम्पल इदा फ्रेम की हैगी है। स्टूडेंट शुड नॉट ओनली पे अटेंशन ऑन द स्टडी बट आलसो शुड हैव कीन इंटरस्ट इन एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इदा रजे मैं सैकेंड एग्जाम्पल फ्रेम की है। हूँ आप थर्ड एग्जाम्पल बनी मूव ऑन करते हैं। बहुत सिंपल टू सिंपल एग्जाम्पल्स है, इदा तुम स्पीकिंग भी यूज़ कर सकते हो नॉट ओनली बट आलसो। तुम मैं कमेंट सैक्शन में दस्यो कि तुम सेंटेंस किदा फ्रेम कर रहे हो। आई नॉट ओनली प्ले इनडोर एक्टिविटीज़ बट आलसो टेक पार्टिसिपेट इन आउटडोर गेम्स विच आर हैल्पफुल फॉर फिजिकल ग्रोथ। रजे इतने मैं गल की है इनडोर एक्टिविटीज़ की, जिदा कि मैं सिर्फ इनडोर एक्टिविटीज़ नहीं खेडती बट मैं पार्टिसिपेट करती आउटडोर एक्टिविटीज़ जी हैल्पफुल होंगी है, मैंने फिजिकल ग्रोथ ली हैल्पफुल होंगी है। जिदा कि रजे मैं फोर्थ एग्जाम्पल फ्रेम की है। डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क कैन नॉट ओनली वाइडन अवर नॉलेज बट आलसो मेक एवरी वन टू बी इंडिपेंडेंट। रजे इदा मैं फोर्थ एग्जाम्पल फ्रेम की है। हूँ आप अगे मूव ऑन करते हैं। तुम कमेंट सैक्शन एग्जाम्पल फ्रेम करो तो मैं थोड़ा दसा कि थोड़ी एग्जाम्पल सही है कि गलत है। नैक्सट है रजे अनलैस। अनलैस होंगे कि जब तक, इदा हिंदी बोल सकते जब तक। अनलैस रजे एक आपदे आप ही एक नैगेटिव होंगे है, तो ये तो बाद जिदा कि वर्ड्स सो डोंट राइट नॉट विद अनलैस। जिदा कि रजे जो आप वर्ड अनलैस लिखता ना उदो आप नॉट नहीं यूज़ करना गा। जिदा कि रजे मैं थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जिदा कि रजे मैं इतने सिंपल सेंटेंस लिखा यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। इदा मैं दो सेंटेंस बनाए, ये सिंपल सेंटेंस से रजे। हूँ मैं इनू कंपलैक्स सेंटेंस में किवें कन्वर्ट किया, यू विल नॉट पास अनलैस यू वर्क हार्ड। जिदा जो कि रजे सिंपल समझ लो गल दिमाग से, जिदा कि जो आप अनलैस लाता, अनलैस लाने बाद आप नॉट तो यूज़ ही नहीं करना गा। सिंपल तरीका है, आप नॉट यूज़ नहीं करना क्योंकि अनलैस आपदे आप ही एक नैगेटिव हैगी है। तो जिदा कि रजे मैं सैकेंड एग्जाम्पल इदा फ्रेम की है। पीपल कैन नॉट सेव द इनवायरमेंट अनलैस दे कट डाउन द प्राइवेट व्हीकल्स। रजे पहली गल तो इतने व्हीकल्स आया, ये उपर जोड़ा वो कॉमा लग्या होया है, यह क्योंकि ज़्यादा व्हीकल्स की गल की गई है तो करके उपर लाया गया है। जिदा कि रजे थर्ड एग्जाम्पल हैगी है ट्रिक्स विल नॉट वर्क। ट्रिक्स जड़ियाँ ट्रिक्स उदों तिकर काम नहीं करनी है जदों तक आपां काम वर्क हार्ड आपां मेहनत करनी नहीं शुरू करते। इदा रजे मैं एग्जाम्पल फ्रेम की ट्रिक्स विल नॉट वर्क अनलैस यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड। इदा मैं थर्ड एग्जाम्पल रजे फ्रेम की। हूँ आप फोर्थ एग्जाम्पल वनी मूव ऑन करते हैं। पीपल कैन नॉट कंट्रोल द ओबेसिटी। पीपल लोग आपकी ओबेसिटी मोटापा कंट्रोल नहीं कर सकते जो तिकर वो फास्ट फूड अवॉयड नहीं करते गए, मतलब कि फास्ट फूड खाना बंद नहीं करते गए। इदा रजे मैं फोर्थ एग्जाम्पल फ्रेम की है। अगर ये थोड़ा वीडियो हैल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल में सबसक्राइब करना ना भूलिए, तो कमेंट सैक्शन में आपकी सेंटेंस फ्रेम करके जरूर दस्यो रजे, तो फिर मैं थोड़ा दसागी कि थोड़ा सेंटेंस सही से या रोंग सी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।